नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं पीएम मोदी का मेगा शो की सबसे बड़ी कवरेज। आज प्रधानमंत्री बिहार की राजधानी पटना में हैं, जहां पर वो बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में थोड़ी देर के बाद रोड शो करने वाले हैं। ये इतिहास में पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करेगा। हमारे साथ पटना से चार संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रकाश कुमार भट्टाचार्य रोड से हमारे साथ कनेक्ट हैं और यहीं से पीएम के रोड शो की शुरुआत होनी है। पीर मुहानी से जुड़ रहे हैं शशांक कुमार। रोड शो आगे बढ़ेगा तो मिलेंगे आर्यन आनंद और उद्योग भवन से जुड़ी हैं हमारे साथ निधि श्री। ये वही जगह है जहां पर पीएम के रोड शो का समापन होना है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं पटना में पीएम मोदी का रोड शो किन किन इलाकों से होकर गुजरने वाला है। आइए वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसका रूट किस तरीके का रहने वाला है। देखिए, डाक बंगला चौराहे से रोड शो शुरू होगा, एग्जीबिशन रोड शो रोड और भट्टाचार्य रोड, फिर पीर मुहानी और फिर कदम कुआ, ठाकुरबाड़ी रोड, बाकरगंज और उद्योग भवन पर जाकर खत्म होगा। तो ये जो आप रूट प्लान देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के रोड शो का ये पूरा प्लान है। और आइए सबसे पहले आपको प्रकाश के पास हम लेकर चल रहे हैं और प्रकाश हमें बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से पहले किस तरीके की तैयारी प्रकाश वहां पर देख पा रहे हैं। प्रकाश दिखाइए जरा तस्वीरें। गजब का उत्साह है। सबसे पहले तो मैं दिखा दूं, जो जिस छत पर हूँ वहाँ से महिलाएं लगातार करीब दोपहर 3 बजे से ही इंतज़ार कर रही हैं और ये जो आप देख रहे हैं सड़कों पर भीड़ है, ये दोपहर के 2 बजे से ही आना शुरू हो गया था और लगातार भीड़ लगी हुई है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि मेला जैसा है, आलम है यहाँ पर। और हर जगह पर, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर आप देखेंगे कि किसी न किसी तरह से लोगों को मन लगाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए गाने बाजे का इंतज़ाम किया गया है, भजन कीर्तन का इंतज़ाम किया गया है। और जहां मैं खड़ा हूं वहां पर एक रेप्लिका है, अयोध्या में जो मंदिर बना है उसका बनाया हुआ है। तो इसी रास्ते से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और लोगों से मिलते हुए, यहाँ से हाथ हिलाते हुए रोड शो शुरू करेंगे और इंतज़ार अब हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर प्रधानमंत्री के लिए यह इलाका क्यों चुना गया। दरअसल ये बहुत पुराना इलाका है पटना सिटी से लेकर के, और ये जो भट्टाचार्य रोड है यहाँ तक का इलाका, चाहे वो बाकरगंज हो, पीर मुहानी हो, ये सेंटर हुआ करता था और यहाँ पर काफ़ी घनी आबादी है। दोनों तरफ से लोग आपको दिख जाएंगे, चाहे वो सड़क के इस पार हों, चाहे सड़क के उस पार हों, बड़ी संख्या में न सिर्फ पटना के बल्कि आसपास के इलाके से भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम हमारे जो सहयोगी हैं वो सारा कुछ बता रहे थे कि कैसे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और मनोरंजन के लिए तरह तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। तो सबसे ख़ास बात यह है कि पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, ये दो इलाका है, लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से चुनाव हो रहा है। और इसके पहले अमूमन मैं बता दूँ आपको कि गांधी मैदान में रैलियां हुआ करती थी और गांधी मैदान से ही आवाज़ सब जगह पूरे बिहार में जाता था, लेकिन ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। बिल्कुल, तो प्रकाश और तस्वीरें जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये भट्टाचार्य रोड की तस्वीरें हैं जहां से सीधी तस्वीरें आपने पहुंचाई कि थोड़ी देर में जब पीएम वहां पर पहुंचेंगे, रोड शो की शुरुआत होगी, उससे पहले किस तरीके से जन सैलाब वहां पर नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।